नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार मूव देखने को मिल रहा है। इंडेक्स लेवल पे निफ्टी 70.2 पर, बैंक निफ्टी 135.2 पर और सेंसेक्स 300.2 पर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली तेजी आ रही है मार्केट में। मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है, स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं और जो बाजार ने रिकवरी दिखाई है नीचे से वो बहुत ही शानदार है। इसको जोड़ा वोटिंग परसेंटेज से जा रहा है, जब बाजार गिर रहा था उसको भी वोटिंग परसेंटेज से ही जोड़ा गया। इस बीच में अमित शाह जी का एक बयान, उन्होंने खुद भी कहा कि बाजार को इससे नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप जोड़ रहे हो तो 4 जून से पहले उठा लो क्योंकि उसके बाद शूट करेगा बाजार। ये सारी चीजें बाजार के लिए इतनी पॉजिटिव हुई कि इंडेक्स को ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे लाके खड़ा कर दिया है। तो बाजार तो बहुत ही प्यारा ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो राइज कर रही है, पैसा बन रहा है। देखिए, बहुत बड़े बुल रन में चल रहे हैं हम लोग। जो पकड़ के बैठा रहेगा वो पैसा बनाएगा और उसी का पैसा बनेगा जिसमें कॉन्फिडेंस होगा। अदरवाइज छोटी गिरावट हुई, बचाओ, भागो, भाग जाओ, फिर दोबारा मौका नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। पहले तो IRCTC को इंसिडेंसली आज फिर कवर किया हमने, भागने से पहले किया। क्लियरली बोला कि 1060 पे ट्रिपल टॉप बनने की कोशिश हो रही है। बार बार कोई दरवाजा खटखटाओगे एक दिन तो फटेगा। आज फटेगा कब पता नहीं, लेकिन पकड़ के बैठ रहो। 780 रुपए से वन साइडेड आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर किया है। जब शेयर नहीं चलता है ना तो आप लोग पेशेंस लूज कर देते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हो भाई ये नहीं चलता, बेकार है, और छोड़ देते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे व्यूअर। मैं दिन की 10-12 वीडियो बनाता हूं, सब अपडेट देता हूं, सब बाइंग के लिए तो बोलता नहीं हूं, बाइंग के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूं और जब बनाता हूं खुल के कहता हूं कि इसमें व्यू पॉजिटिव है, लेने का मौका है, ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ऐसे तो कह नहीं सकता खरीद लो पैसा बन जाएगा, वो तो सेबी की गाइडलाइन के भी विरोध में है और एक तरीके से लालच देना है। पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूं, इतना अभी लेना है, इतना बाद में लेना है, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ये प्रॉफिट हो सकता है, वो लॉस हो सकता है। किसी के मन में केवल और केवल ग्रीडीपन नहीं आएगा जब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्यू, तो सिर्फ पूरी स्ट्रेटेजी होती है। अब यहां IRCTC की बात करें तो 1100 रुपए हो गया है, तो सबसे पहले तो मुबारक हो। अभी भी व्यू स्टिल सेम है, बेचना नहीं है, फ्रेश लेने के लिए अपनी हिम्मत नहीं है। अब व्यू सेम है, बेचना नहीं है, फ्रेश नहीं लेना है। अब लेना है तो ले लो, वो आपकी मर्जी है, बट हम तो ये कह रहे हैं पकड़ के बैठे रहो। और डिस्क्लेमर रहता ही है, मेरे पास खुद भी है पोर्टफोलियो में। आगे बढ़े, कुछ और स्टॉक्स की अपडेट भी देनी है आप सभी को। बहुत ही ज्यादा तंगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है बाजार में आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले तो स्टॉक्स जो आज एक्शन में है, रिजल्ट्स के दम पर केन्स टेक्नोलॉजी 20% का सर्किट मार दिया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स रिजल्ट्स के बाद 15% भाग गया। मजगांव डॉक, भाई साहब क्या शेयर है यार, मतलब OFS की खबर आई, मैंने वीडियो भी कवर करी थी, नेगेटिव है, चलने नहीं देगा, वो खबर भी दुनिया भूल गई, इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरा है 14% ऊपर। अभी एक रिसेंटली खबर आई थी जहां पे मैंने आपके साथ बताया था पानी में AIP के लिए 6 ships का ऑर्डर इन्हें मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इन्होंने जैपनीज कंपनी के साथ एक टाई अप किया है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी थी, 2 दिन पुरानी बात है, LNT और इन दोनों ने, जहां पे ये सबमरीन बनाने वाले हैं जो कि पानी के अंदर लंबे समय तक टिकती है और ये टोटल 48,000 करोड़ का ऑर्डर हो सकता है इस साल के अंत तक, ये मिल सकता है। उसके अब देखिए स्टॉक 14%। BDL, वाह, कल रील भी बनाई थी मैंने इस पे और शॉर्ट्स पे भी अपलोड करी थी, इस चैनल के नहीं, शॉर्ट में दूसरे चैनल पे अपलोड करता हूँ, फेसबुक पे भी करता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप प्लीज जुड़ जाइए। कि डिफेंस स्टॉक्स को पकड़ के बैठे रहो, BDL, BEL और HAL, ये 3 स्टॉक हैं, बस बैठे रहो, इनमें पैसा अपने आप बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिख रहा है जब क्लियरली। GlaxoSmithKline रिजल्ट्स के बाद 12% की रैली। कुछ स्टॉक्स टूटते हुए भी दिखे हैं जिसमें हनीवेल ऑटोमेशन 4.5% टूट गया रिजल्ट्स, कल बहुत तेज भागा था, उसके बाद आज 4.5% टूटा है। कुछ गिरावट नहीं है क्योंकि कल 45,000 था, आज 53,000 है, हालांकि इसने क्लोजिंग 60,000 के करीब की दे दी थी, इसलिए थोड़ा आपको नीचे दिख रहा है। ईक्लर्क्स सर्विसेज में भी गिरावट आते हुए दिख रही है, लगभग 4.5% स्टॉक नीचे है। GE शिपिंग में 3.5% की गिरावट है। जेंसा टेक भी नीचे आता हुआ दिखा है। IRFC रेलवे से एक बार फिर भाग रहा है, 6% का बढ़िया मूव देता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक भी आपको। निफ्टी में MNM पे ध्यान दीजिए, मतलब क्या परफॉर्मेंस है, 2500 रुपए के निपार निकल गया है, 6% की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी में 25 पॉजिटिव है, 25 नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव वाले स्टॉक्स की संख्या जो है ना वो परसेंटेज टर्म्स में कम है। आप देखें MNM में बढ़िया तेजी है, JSW स्टील में बढ़िया तेजी है, ग्रेजिम में बढ़िया तेजी है और कोटक बैंक अच्छा कर रहा है।
वहीं टॉप लूजर्स में TCS, सिप्ला, SBI लाइफ, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स आने हैं, पोस्ट मार्केट जैसे आएंगे आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल बाजार ओपन है तो प्लीज टाइमली आ जाइएगा, ट्रेड कीजिएगा, सौदों को काटिएगा, बनाइएगा। रियल ट्रेड है, आज का सौदा कल कटेगा, कल बनाओगे ट्यूसडे कटेगा क्योंकि मंडे बाजार बंद है। निश्चिंत होके काम कीजिए, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह ट्रेडिंग सेशन है कल 9:15 पे बाजार की पहली घंटी बजेगी, दो चरणों में ट्रेड होगा। इसकी सारी डिटेल्स आप सभी के साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा, 4:30 बजे वीडियो आएगी तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बाजार में बहुत सारे रिजल्ट्स भी आने हैं लाइक JSW स्टील, Zydus लाइफ, NHPC, एस्ट्रल, RBNL, फेनोएक्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ग्लोबल हेल्थ और भी कुछ नंबर आएंगे, जैसे जैसे आ जाएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।